बात कुछ हफ्ते पुरानी है। मेरे घर के पास कुछ घरों को छोड़कर एक खाली इमारत थी जिसमें सालों से कोई नहीं रह रहा था। घर वाकई काफी डरावना था। उसके बच्चे इस इमारत के बारे में तरह तरह की कहानियां बताते हैं। मैं कानपुर में रहता हूँ और राहुल मेरा बहुत समय से एक अच्छा दोस्त है। एक रात जब राहुल मेरे यहाँ रुकने आया हुआ था तो हम दोनों ने रात में उस इमारत के अंदर जाने की सोची। रात 1 बजे हम दोनों ने एक फोन और टॉर्च लिया और वहां जाने के लिए निकल पड़े। घासों ने इमारत को घेर रखा था। झाड़ियों से होते हुए राहुल और मैं पीछे वाले दरवाजे से इमारत के अंदर गए। अंदर आते ही हम दोनों का स्वागत एक गंदी दुर्गंध ने किया। अंदर घनघोर अंधेरा था और अगर हम अपना टॉर्च न लाते तो कुछ भी नहीं देख पाते। हम लोग किचन से होते हुए कमरों की तरफ से घर के मुहाने की तरफ आ पहुंचे। जैसे ही हम छत पर जाने वाले थे तभी जोर से कुछ गिरने की आवाज ने हमारे कदम रोक दिए। भाई मुझे लग रहा है ऊपर कोई है, मैंने राहुल से कहा। हाँ भाई, राहुल बोला, चलो चलकर देखते हैं। यार तू पागल है क्या, मैंने राहुल से कहा। राहुल राहुल, मैंने आवाज लगाई, मगर तब तक राहुल लगभग ऊपर पहुंच चुका था। हालांकि मुझे ऊपर जाने का जरा सा भी मन नहीं था, पर मुझे नीचे अंधेरे में इतना डर लग रहा था कि मुझसे नहीं रुका गया और मैं छत पर जाने लगा। जैसे ही हम छत पर पहुंचे इस बार नीचे से कुछ गिरने की आवाज आई। मैं अपने फोन से रिकॉर्ड करते हुए राहुल के पीछे पीछे चलते हुए नीचे पहुंचा। हम लोगों ने नीचे खिड़की की तरफ इसी को खड़े हुए देखा। अंधेरा इतना ज्यादा था कि हमें उस आदमी का भूरा स्वेटर ही दिख रहा था। हमें पता था कि उसने जरूर ही हमें देख लिया होगा क्योंकि हम उसके ऊपर टॉर्च दिखा चुके थे। राहुल उस आदमी की तरफ चलने लगा, मैं पीछे ही वहीं खड़ा रहा। राहुल ने आदमी तक पहुंचकर झुककर उस आदमी के चेहरे को देखने की कोशिश की। राहुल की चीख निकली और उसने उस आदमी को धक्का देकर वहां से भगाया। वो आदमी किसी पुतले की तरह जमीन पर गिर गया। मेरे कॉलर को खींचते हुए राहुल ने मुझे तुरंत वहां से भागने का इशारा किया। भागते हुए जल्दबाजी में मेरा फोन सीढ़ियों पर ही गिर गया। बाहर निकलकर हम दोनों ने काफी तेज साइकिल चलाई और वापस मेरे घर पहुंचे। दरअसल जब राहुल उस आदमी के पास पहुंचा था और उसकी आंखें देखी तो आंखों की जगह उसके चेहरे में सिर्फ काले गड्ढे थे और उसी वक्त उसने जमीन की तरफ से किसी के गिरने की आवाज सुनी थी और एक आदमी की परछाई भी देखी थी जो अपनी आंखें गड़ाए हुए राहुल को देख रहा था।